Hey guys, welcome back to the channel. Guys, इंडिया ने ओलंपिक्स में अब तक 35 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 9 सिल्वर, 10 गोल्ड और 16 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सभी 35 मेडल्स का एनालाइज करेंगे कि किसने कौन सा मेडल्स जीता और कब जीता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को आज मिलेगा। एंड गाइज, चैनल को भी सब्सक्राइब करके कल शाम के 7 बजे फिर से आ जाना, बिकॉज एक नई वीडियो कल शाम के 7 बजे आपको मिल जाएगी। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको मेडल नंबर 1, मेडल नंबर 2 करके बताऊंगा। सो गाइज, आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे एंड चलिए शुरू करते हैं। मेडल नंबर 1, गाइस, भारत ने अपने पहले मेडल में जीत की शुरुआत 1900 में नॉर्मन पिचार्ड के साथ ही की थी। मॉडर्न ओलंपिक्स के पहले रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पिचार्ड ने मेंस की 200 मीटर नॉर्मल और बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल किया था, यानी मेडल नंबर 1 और 2 यहीं पे आ गया था। इसके बाद गाइस, इंडियन हॉकी टीम ने 1928 से 1952 तक लगातार 5 गोल्ड मेडल हासिल किया था। मेडल नंबर 3, गाइज, 1928 एम्स्टर्डम में भारतीय हॉकी टीम के ध्यानचंद ने फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ हैट्रिक सहित 14 गोल करके अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। मेडल नंबर 4, 1932 में लॉस एंजेलिस में इंडियन हॉकी टीम ने यूएसए के खिलाफ 24-1 की भारी जीत हासिल की और इसके बाद अपना दूसरा गोल्ड मेडल पक्का कर दिया। मेडल नंबर 5, इंडियन हॉकी टीम ने ईयर 1936 में बर्लिन में जर्मनी के खिलाफ मैच जीत के ओलंपिक गोल्ड मेडल की हैट्रिक पूरी की। मेडल नंबर 6, आजादी के बाद ईयर 1948 में लंदन में इंडियन हॉकी टीम ने अपना 4th गोल्ड मेडल जीता और लंदन की ओलंपिक पोडियम पर अपना स्थान हासिल किया, जिससे देश को एक अलग ही पहचान मिली। मेडल नंबर 7, उसके बाद ईयर 1952 में हेलसिंकी में इंडियन हॉकी टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ मैच जीतकर लगातार 5वीं बार गोल्ड मेडल हासिल किया। मेडल नंबर 8, गाइस, ईयर 1952 में हेलसिंकी में पहलवान खसाब बाबा दादा साहेब जाधव ने मेंस की फ्री स्टाइल बैंटम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल के साथ ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बने। उसके बाद फिर इंडियन हॉकी टीम ने ईयर 1956 से 1980 तक लगातार 6 मेडल्स की लाइन लगा दी। मेडल नंबर 9, ईयर 1956 मेलबर्न, इंडियन हॉकी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतकर गोल्ड जीता। मेडल नंबर 10, उसके बाद इंडियन हॉकी टीम ने 1960 में फिर से पाकिस्तान को हराकर अपना सिल्वर मेडल हासिल किया। मेडल 11, लगातार तीसरी बार पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद सन 1964 में टोक्यो में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। मेडल नंबर 12 और 13, ईयर 1968 मैक्सिको सिटी में पश्चिमी जर्मनी को हराकर और ईयर 1972 मुनिच में इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मेडल नंबर 14, उसके 8 साल बाद ईयर 1980 मॉस्को में इंडियन हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर गोल्ड मेडल पा लिया। ये ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम के लिए आखिरी गोल्ड मेडल था। मेडल 15, एक युवा लिंडर पेस ने 1996 एटलांटा में मेंस टेनिस में फर्नांडो मेलगानी के खिलाफ ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मेडल नंबर 16, गाइस, ईयर 2000 सिडनी में कर्णम मल्लेश्वरी ने 54 kg वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मेडल 17, गाइस, ईयर 2004 एथेंस में आर्मी मैन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भारत के लिए पहले मेडल जीतने वाले निशानेबाज बने। मेडल 18, ओलंपिक में भारत का सबसे उत्साहपूर्ण क्षण बीजिंग 2008 में आया, जब अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों के 10 मीटर की एयर राइफल में हिस्ट्रिकल गोल्ड मेडल जीता। मेडल 19, गाइस, 2008 बीजिंग में विजेंदर सिंह मेंस मेडल वेट में कार्लोस गंगोरा को हराकर ब्रॉन्ज जीता और इसी के साथ ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। मेडल 20, गाइस, 2008 बीजिंग में सुशील कुमार पुरुषों की 66 रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये रेसलिंग में 56 सालों में भारत का पहला ओलंपिक मेडल था। गाइस, उसके बाद 2012 लंदन में भारत ने ओलंपिक्स में 6 मेडल्स हासिल किए। मेडल 21, गाइस, सन 2012 में सबसे पहले गगन नारंग ने मेंस के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मेडल 22, उसके बाद दूसरे नंबर पे 2012 में एक बार फिर से सुशील कुमार ने 66 kg वेट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। एंड गाइस, आप लोगों को पता ही है कि ये एक रेसलर हैं। मेडल 23, उसके बाद 2012 में खेलों में बमुश्किल पहचाने जाने वाले निशानेबाज विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड शूटर में सिल्वर मेडल हासिल करके रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। मेडल नंबर 24, उसके बाद वुमेन्स फ्लाईवेट बॉक्सिंग में मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हुए मेडल लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया। मेडल 25, लंदन 2012 में योगेश दत्त ने अपने बचपन के सपने को तब हासिल किया जब उन्होंने 60 kg रेसलिंग में जॉन मियोंग को हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लंदन 2012 के आखिर में साइना नेहवाल ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर बनी। मेडल 27, उसके बाद पीवी सिंधु ने भारत की बैडमिंटन कहानी को आगे बढ़ाते हुए ईयर 2016 में वुमेन सिंगल बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता। मेडल 28, 2016 रियो में भारत के ओलंपिक्स में देर से एंट्री करने वाली साक्षी मलिक ने 58 kg रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए पहली महिला भारतीय पहलवान बनी। गाइज, इसके बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने 7 मेडल्स हासिल किए। गाइज, वैसे ये ऑर्गेनाइज किया गया था 2021 में, लेकिन इसका नाम जो है वो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स ही है। मेडल नंबर 29, टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू 49 kg वेट लिफ्टिंग में 202 किलो का भार उठाकर अपना पहला सिल्वर मेडल जीता। 2016 रियो में निराशा पाने के बाद ये उनका पहला मेडल था। मेडल नंबर 30, टोक्यो ओलंपिक्स में अपने खेलों की शुरुआत करते हुए लवलीना ने अंडर 69 वेल्टर वेट में निन चिन शेन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।
मेडल नंबर 31। उसके बाद बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु वुमेन सिंगल बैडमिंटन में बिंग जियो को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए सुशील कुमार के बाद दो ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी एथलीट बनी। मेडल नंबर 32। इसी के साथ रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल रेसलिंग में नूरिस्लाम यानासेव को हराकर ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया। मेडल नंबर 33। 41 साल के इंतजार के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मेडल नंबर 34। उसके बाद बजरंग पुनिया ने 65 केजी रेसलिंग में दौलत नियाज बेकोव को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेडल नंबर 35। और फिर आखिर में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया। गाइस इनके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके उसको देख लेना। सो गाइस ये थी वीडियो, जितने भी आज तक इंडिया के ओलंपिक्स मेडल्स आए हैं उनको कौन लेके आया है उसके बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, साथ में ही कल शाम के 7 बजे फिर से आ जाना एक नई वीडियो देखने। सो गाइस चलते हैं एंड कल मिलते हैं शाम के 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।